हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और अब दिवाली पर कहीं ना कहीं एक तरफ से मार पड़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ी है, उससे कहीं ना कहीं बिक्री में कमी आई है और इससे जो दुकानदार हैं उन्हें खासा नुकसान हुआ है। दिवाली पर महंगाई की मार पड़ रही है। दिवाली को लेकर बल्लभगढ़ के बाजार पूरी तरह से सजे हुए हैं। हालांकि महंगाई की मार का असर बाजारों में साफ तौर पर देखने को मिला है। महंगाई बाजार में साफ दिख रही है, लेकिन दिवाली का त्योहार हर कोई अपने बजट के हिसाब से मनाना चाहता है और इसीलिए हर कोई अपने बजट के मुताबिक खरीदारी भी कर रहा है। दुकानदारों की माने तो महंगाई की मार के साथ साथ दिवाली महीने के आखिरी दिनों में पड़ी है, जिस कारण लोगों की जेब में पैसा नहीं है और इसीलिए लोग इतनी खरीदारी नहीं कर पाए। और वहीं दुकानदार अपना सामान ना बिकने का रोना भी रो रहे हैं। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए तो दिवाली पर महंगाई की मार पड़ रही है, जिससे कहीं ना कहीं दुकानदार को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन जो आम लोग खरीदारी के लिए बाजार में पहुंच रहे हैं, महंगाई के चलते वो खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। दिवाली का त्योहार है और ऐसे में जब ये अंत में पड़ा है तो जेब भी लोगों की ढीली है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां भी हो रही है और दुकानदार भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। मार्केट अगर पिछले साल से देखा जाए तो तकरीबन 50% का मतलब रेट हायर है। इसकी वजह से क्या है कि दिवाली में जो जितनी ज्यादा बम्पर खरीदारी होती है तो उतनी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बजट तो वही रहता है, तो उसके हिसाब से फिर वही शॉर्टकट करना पड़ता है कि भाई क्या क्या चीजें कट की जाए। ऐसा इसलिए लग रहा है जब कस्टमर के लिए जब पैसे नहीं होंगे पब्लिक की जेब में तो कहाँ से दिवाली मनाएंगे। कस्टमर आता है तो वो यही कहता है जी कि हमारे अभी कंपनी से पैसे नहीं मिल रहे, कंपनी का काम छूट गया, कोई बाहर निकाल रहा है कंपनी से। दीपावली बहुत मंदी जा रही है बहुत, और नुकसान इतना हो रहा है, कोई माल उठाव नहीं है इस चीज का। आखिरी महीना हो गया लास्ट का, तो इसी वजह से ग्राहक भी नहीं है, महंगाई कुछ है नहीं, फूल लेकर आते सारा खराब हो जाता है, बिकता है नहीं, तो खाएंगे तो बताओ क्या करेंगे, नुकसान ही हो रहा है।